आपको बताएं कि तालिबी वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया है कि कोरोना के खिलाफ मुनासिब हिकमत अमली ना बनाई तो यूरोपीय यूनियन की नाकामी का खतरा हकीकत बन जाएगा। इटली के वज़ीर-ए-आज़म गोइसेप कॉन्टे ने कोरोना वायरस को दूसरी जंग-ए-अज़ीम के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान करार देते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन को इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाना होंगे। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमें एक ऐसे तारीखी मौके का सामना है जिसको हमें हरगिज़ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो यूनियन की नाकामी का खतरा हकीकत बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बहरान और बढ़ती हुई अमवात के सबब यूरोपीय यूनियन को वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की मदद के लिए मुनासिब और मजबूत तआवुन की जरूरत है। अगर यूरोप कोई मुनासिब मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसी बनाने में नाकाम रहता है तो सिर्फ इतालवी ही नहीं बल्कि तमाम यूरोपीय शहरी मायूसी का शिकार होंगे। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि केसेस और अमवात में कमी होने के बावजूद हम हिफाजती इकदामात में कमी नहीं करेंगे और लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी।